हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। सो आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 47 लेकर आए हैं, और यह वर्कशीट आपका 21 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो आइए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं प्रॉपर वे में। आज आपको जो वर्कशीट है उसमें तत्वों का आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के बारे में पढ़ना है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है। कितना स्तंभ है? 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है, और तथा 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो समूह और क्षैतिज पूछा जाता है, जो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं और कितने क्षैतिज हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ यानी समूह है, और 36 कितने हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है? 7 है। ठीक है, आइए देखते हैं कि किसी समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। तो ये आपका जो आधुनिक आवर्त सारणी के पिता है हेनरी मोजले है, ये है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ऊर्ध्व स्तंभ। यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व को लेते हैं और समूह एक के पहले तीन तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, तो हाइड्रोजन का एक है, उसका परमाणु द्रव्यमान भी एक होता है, लिथियम का तीन होता है परमाणु संख्या, ये जो जितना लिखा हुआ ये सारे परमाणु संख्या, ये परमाणु भार है। ठीक है दोस्तों, ये परमाणु 23rd है, परमाणु भार है सोडियम का। तो ये हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 2 1 होता है, और सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या। तो उसको 2 8 1 के फॉर्म में लिखते हैं। अब इसमें प्रश्न ये उठता है, जो प्रश्न ये उठता है कि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है। तो आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक की संख्या समान होती है। प्रश्न दूसरा उठता है इसमें, इन तीनों तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है? तो इन तीनों तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है। अब ये भी उठता है कि एक ही तत्व समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समूह की संख्या, तो किसी समूह के ऊपर से नीचे की ओर जाने के बाद कोषों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, जैसे लिथियम है तो लिथियम 2 1 है, सोडियम है 2 8 1 हो जाएगा, पोटासियम हो जाएगा 2 8 8 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो ये जो फिगर दिया हुआ है, ये देखिए 3 है डॉट है, तो लिथियम का जो परमाणु संख्या 3 है, ये टोटल जो है 11 डॉट है, तो ये सोडियम का 11 है, ये 19 डॉट है, तो ये पोटासियम का 19 है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्षैतिज देखते हैं। क्षैतिज क्या है? क्षैतिज पंक्ति में लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नियोन एक दूसरे के तत्व के आवर्त के तत्व हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, लिथियम 2 1 होता है, बेरिलियम 2 2 होता है, बोरन 2 3 होता है, और कार्बन 2 4 होता है, नाइट्रोजन 2 5 होता है, और ऑक्सीजन 2 6 होता है, फ्लोरीन 2 7 और नियन 2 8 होता है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। तो क्या इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? क्या इनके कोषों की संख्या समान है? अब देखिए तो इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें कोषों की संख्या समान है, अर्थात आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है। अर्थात आपको याद रखना, जो आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, आप लेफ्ट हैंड देखिए और उससे राइट हैंड जाइएगा, ठीक है, तो क्या होगा? एक अंक की वृद्धि, एक इकाई की वृद्धि होती है, और तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो कोषों की संख्या बराबर आवर्तों की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आपको आपको इसमें ये देखना है, जो अध्यासित कोषों की संख्या समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तथा आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित है, क्योंकि इसके परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या KLMM कोषों में स्थित है। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनों विन्यास लिखकर की पुष्टि कीजिए। तो कोषों की में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है ना, एक सूत्र होता है 2n² n की जगह पे आप 1 2 3 4 5 जो भी रख सकते रखेंगे। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे के कोष में, जैसे आप समझ रहे हैं, जैसे कि आपको जो है ना ये न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, इसके चारों ओर क्या लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है किसमें? KLMN सेल में। ठीक है, तो ये के कोष की बात हो रही है। 2 × 1² 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, एल कोष की 2 × 2² 2 4 8 हो जाएगा, और तीसरे को चौथे पांचवें छठे और सातवें आवर्त में 8 18 32 और 8 18 18 32 तथा 32 तत्व होंगे। ठीक है, तो आपको KLMN से लें 2 8
18, 32, तो आपको बेसिकली इतना ही करना है, यही एग्ज़ाम में आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए अब इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके जो क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। इसके क्वेश्चंस में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित है, तीन दोनों के बाहरी कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मैग्नीशियम एल्युमिनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और इन तत्वों के समूह एवं आवर्त की संख्या लिखिए। और मैग्नीशियम एल्युमिनियम और सिलिकॉन की परमाणु संख्या 12, 13 और 14 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है समूह एक पहले तीन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास में क्या आप समानता पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना फोर्थ है, ये पहले दूसरे तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, चलिए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ के बताया था, जो फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित है, इन दोनों के बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी। तो फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से उपस्थित, इसके लिए बाहरी कोषों में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, इन तत्वों के समूह एवं आवर्त की संख्या लिखे। और मैग्नीशियम एल्युमिनियम और सिलिकॉन की परमाणु संख्या 12, 13 और 17 है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, इसीलिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तथा समूह 2 में उपस्थित होगा। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक जो है 13 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 होगा। एल्युमिनियम 17 समूह में उपस्थित होगा, 13 समूह में उपस्थित होगा सर। अब सिलिकॉन जो है ना दोस्तों, आपको देख रह पा रहे हैं सिलिकॉन जो है ना का परमाणु संख्या 14 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 होगा तथा इसका सिलिकॉन जो है ना वो 14वां समूह में उपस्थित होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड इसी को क्वेश्चन नंबर देखते हैं, उसका मैग्नीशियम एल्युमिनियम और सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त है के हैं, क्योंकि इन तत्वों के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को के एल एम के कोषों में भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड तो बहुत ईजी है, समूह वन पहले तीन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे और इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप क्या समानता पाते हैं। तो समूह वन तत्वों के क्षार, ये जो है ना क्षार होता है, क्षार ऐसे आपको लिखना है, आपको पता है क्षार लिखने आता है आपको, हम मुझे पता है क्षार धातु के रूप में जाना जाता है। तो समूह में समूह पहली तीन तत्व लिथियम सोडियम और पोटासियम है। लिथियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-1 होता है, परमाणु संख्या 3 होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-1 होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं पोटासियम, पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-8-1 होता है, परमाणु संख्या 19 होता है। यह तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने पर पता चलता है, यानी यहाँ यहाँ लिखेंगे, यहाँ यहाँ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने पर पता चलता है कि इन सभी तत्वों की संयोजकता समान है अर्थात एक है, क्योंकि बाहरी कोष में तीनों ही तत्व में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत ही आसान है, पहले दूसरे और तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित है। तो आवर्त वन में केवल 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जबकि आवर्त 2 में और 3 में 8 तत्व हैं, और आवर्त में 18 तत्व हैं। ठीक है दोस्तों, चौथे आवर्त में कितने 18 तत्व हैं। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में एवं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु भार के फलन होते हैं, और इन सारणी में 8 समूह तथा 6 आवर्त होते हैं। इस आवर्त सारणी की निम्नलिखित सीमाएं हैं, जैसे एक हाइड्रोजन तत्व को सारणी में उचित स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है, और 2 समस्थानिक को सही ढंग से व्यवस्थित नहीं किया गया है। और थर्ड पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, जो एक समस्या यह थी कि जब हम भी एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ते हैं तो उनके परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं, और इसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट है, जब इसके ठीक विपरीत आधुनिक आवर्त सारणी जिसे हेनरी मोजले ने दिया था, इसके अनुसार तत्वों के रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक क्या आवर्त फलन होते हैं, और इस सारणी में 18 समूह तथा 7 आवर्त बनाए गए हैं तथा कुछ तत्व जैसे लेंथेनॉइड एवं एक्टिनॉइड के लिए अलग से स्थान दिया गया तथा उत्कृष्ट गैसों की आखिरी व्यवहार को देखते हुए उन्हें ग्रुप 18 में रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले और अच्छे बेहतर तरीके से इस चैनल पे सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।